कर दिया जी सर। चलो आज हम लोग सौर मंडल का स्थिति को समझेंगे कि सौर मंडल क्या है, ठीक है जी सर। तो ये है हमारा सूर्य है ना जी सर। इसका प्रकाश हम लोग को मिलता है और उसी के प्रकाश के कारण ये पूरा सृष्टि बना है, पूरा पृथ्वी उसी के कारण जीवन है, ठीक है। वो कैसे है बाद में समझेंगे, हम लोग सौर मंडल को समझते हैं। सौर मंडल क्या है, सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ये सारे ग्रह जितने ग्रह हैं, ठीक है। सूर्य और सारे ग्रह और उन ग्रह को चक्कर लगाने वाले उपग्रह, इन ग्रहों को भी चक्कर लगाता है कोई, उसको कहते हैं उपग्रह, ठीक है। और इसी के एरिया में, इसी के क्षेत्र में कुछ क्षुद्र ग्रह भी है, वो क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो उस सारा का समूह को अगर मिला देंगे, सूर्य और जितना ग्रह है ना और उसके उपग्रह क्षुद्र ग्रह सारे को अगर मिला देंगे तो उसको हम लोग कहेंगे सौर मंडल, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। आकाश में बहुत सारे तारे हैं जिसको हम लोग रात में देखते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग का तारा कौन सा है, सूर्य, ठीक है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आठ ग्रह हैं, पहले नौ थे है ना, अभी आठ ग्रह है, ठीक है। और सबसे सामने कौन सा ग्रह है, बुध। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। इसके बाद है शुक्र, कौन है शुक्र, शुक्र ग्रह, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, पृथ्वी। हम लोग कहाँ है अभी, पृथ्वी है ना, बोलना है हम लोग कहाँ है, पृथ्वी, पृथ्वी में, ठीक है। पृथ्वी के बाद कौन सा है, मंगल, मंगल ग्रह, ठीक है। और मंगल के बाद बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि, शनि, बृहस्पति के बाद क्या है शनि, और शनि के बाद क्या है यूरेनस, क्या है यूरेनस, और लास्ट कौन है नेपच्यून, नेपच्यून के बाद भी एक है ग्रह जिसका नाम था प्लूटो, क्या नाम था प्लूटो, लेकिन वर्तमान में प्लूटो को ग्रह का परिभाषा से बाहर कर दिया है, मतलब प्लूटो को हम लोग ग्रह नहीं कहते, ठीक है जी सर। तो यहाँ हम जानते हैं कि सबसे सामने कौन सा ग्रह है, सबसे सामने भी है और सबसे छोटा भी, ठीक है जी सर। इसके बाद है शुक्र, है ना। तो शुक्र ग्रह जो है ये बहुत चमकीला है, चमकीला होने के कारण सुबह और शाम को ये चमकता हुआ दिखाई देता है किसी तारे के जैसा, रात में जैसे तारा हम लोग को चमकता हुआ नजर आता है उसी तरह शुक्र ग्रह सुबह को, तो सुबह को भोर भी कहते हैं, इसलिए इसको भोर का तारा या शाम का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, क्या कहते हैं मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार, किसको कहते हैं शुक्र ग्रह, है ना। और उसके बाद हमारी पृथ्वी है ना, और पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है ना, और जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जल, क्या जरूरी है जल, जल, इसलिए जब यहाँ समझा रहे हैं यहाँ समझिए पहले, जब करना है तो आराम से पीछे से निकल के चल जाओ। तो पृथ्वी में सबसे अधिक जल है ना, पृथ्वी का दो तिहाई हिस्सा में जल है, अंतरिक्ष से जब देखा जाता है तो ये नीला रंग का लगता है, ठीक है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है मंगल, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा है बृहस्पति, और बृहस्पति जो है आकार में सबसे बड़ा है, आकार में सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा है बुध, ठीक है। बृहस्पति के बाद कौन सा है शनि, ठीक है। और शनि के चारों ओर क्या है वलय है, क्या है वलय, वलय है, ठीक है। और उसके बाद है यूरेनस और नेपच्यून, तो सबसे अगर दूर कहा जाए तो नेपच्यून है, और सबसे सामने बुध, सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति है। लाल ग्रह किसे कहते हैं मंगल, नीला ग्रह किसे कहते हैं पृथ्वी, भोर का तारा कौन है शुक्र,
समतल है ना, ये से मूव कर रहा है, ये घूम रहा है, ये क्या है घूर्णन, ठीक है। लेकिन किसी वस्तु के चारों, मान लो ये बोतल है ना, निर्मल, ये निर्मल है ना, ये मान लो शुद्ध है ना, तो हम इसके चारों अपने ही घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, अपने घूम रहे हैं, और निर्मल का भी चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, निर्मल के चारों ओर भी चक्कर लगा रहे हैं। तो जो अपने में घूम रहे हैं उसको क्या कहते हैं, घूर्णन, क्या कहते हैं घूर्णन, और इसका जो चारों ओर चक्कर लगा है वो क्या कहलाएगा, परिक्रमा, है नहीं? तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष में चारों ओर 24 घंटा घूमती है, कितना 24 घंटा में दिन और रात होता है, ठीक है, एक दिन पूरा बदल जाता है, और परिक्रमा करती है 365 दिन, है ना, 365 दिन कुछ घंटा है, वही जब 4 साल बीतता है 365 दिन 6 घंटा, और 4 साल बीतता है तो 6 घंटा करके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 घंटा, 4 साल में 24 घंटा, एक दिन बढ़ जाता है, 365 की जगह 366 दिन हो जाता है, उसको क्या करते हैं, लीप ईयर कहते हैं, है ना, और लीप ईयर में फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाता है, है ना, ठीक है। और ये जो ग्रह है, ग्रह के चारों ओर भी जो है आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं उपग्रह, क्या कहते हैं उपग्रह। अब पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है मून, क्या है मून, मून मीन्स चांद, चन्ना मामा दूर की है ना, तो चांद का भी अपना प्रकाश नहीं है, ठीक है, अपना प्रकाश चांद का भी नहीं है, ये भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, ठीक है। अब जितना भी चीज बताए अभी फिर से एक बार रिवीजन करा दिए हैं, इसको अच्छा से देख के लिख लो और आज कर लो, कल इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, बंद कर दो।